अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मिक्स सब्जी इस तरीके से बनाएं खाने वाले पलट चाटने पर मजबूर हो जाएं। चलिए तो इस रेसिपी को देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां लेकर के रखी हैं। सब्जियों में हमने एक गोभी का फूल लिया है, ये 300 ग्राम का फूल है हमारा गोभी का, और 250 ग्राम हमने ये मटर ली हैं। मटर के हम दाने निकाल लेंगे, और 300 ग्राम के करीब हमारी ये गाजर हैं। गाजर को हमने धो करके इनको छील लिया है, और दो हमने शिमला मिर्च ली हैं, और एक हमने टमाटर लिया है, और चार हमने हरी मिर्च ली हैं। इन सब्जियों को हम सबको काट करके तैयार कर लेंगे। एक हमने दरमियानी साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और 10 से 12 हमने लहसुन की कलियाँ छील करके इनको बारीक बारीक काट लिया है, और एक इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको बारीक बारीक काट लिया है, और चार हमने हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये कुछ धनिया लिया है हमने। सभी सब्जियों को हमने काट करके और धो करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 स्पून के करीब हम तेल डालेंगे, 1/2 स्पून के करीब हमारा ये हींग है, हींग को ऐड करेंगे, और 1/2 स्पून के करीब हमने ये अजवाइन ली है, हाथों से ग्रीस करके इस तरह से हम डालेंगे। अब अपनी सब्जी ऐड करेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और अपनी सब्जी को हम फ्राई करेंगे। बाकी की सब्जी हम ऐड करेंगे, अपनी गाजर को ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे, और 2 हमने आलू काट करके रखे थे, इन आलू को भी हम अभी ऐड कर देंगे, और सबको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे चलाते हुए इस तरह से। और 1/2 स्पून के करीब हम नमक डालेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। जब इस तरह से हम अपनी सब्ज़ी को हींग में और अजवाइन में फ्राई करते हैं, तो हमारी जो गोभी का है, गोभी का जो बारीकपन है वो ख़त्म हो जाता है। और ये अपनी शिमला मिर्च भी हम ऐड कर देंगे, और इनको भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। गर्मियों में तो ये सब्ज़ी मिलती नहीं है, अब वैसे भी जाड़े चल रहे हैं, और जाड़ों में ये अब इस टाइम ये सब्ज़ी का मौसम है, और ये हमें अपनी डाइट में शरीक करनी चाहिए, इन्हें खाना चाहिए हमें सब सब्जियों को। सब्ज़ी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, बस इसी तरह की हमें सब्ज़ी फ्राई करनी थी। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। वापस से हम फिर गैस पे अपनी कढ़ाई को ले आए हैं। 2 स्पून हम भर करके हमने इसमें तेल को डाला है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, और 1/2 स्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसे ज़ीरे को चटकने देंगे, और ये जो हमने लहसुन इतना काट करके रखा था जो हम ऐड करेंगे, और ये अदरक कुछ देर के लिए चलाते हुए भुनेंगे। अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को भी कुछ देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी हमने कुछ देर के लिए भून लिया है। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, और इसको भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। 1/2 स्पून के करीब हम नमक ऐड करेंगे, नमक हमें कम डालना है, क्योंकि हमने नमक अपनी सब्जी में भी डाला था। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने 1/2 स्पून के करीब हमने हल्दी ली है, 1/2 स्पून लिया है हमने धनिया पिसा हुआ, 1/2 स्पून के करीब हमने लाल मिर्ची ली है। अच्छे से भुनाई करेंगे अपने मसालों की। मसालों को भी हमने अच्छे से भून लिया है, और 2 स्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। मसालों में हमारे उबाल आ चुका है। अब हम अपनी सब्जी जो हमने फ्राई करके रखी थी इसको ऐड करेंगे। सभी सब्जी को हम अपने मसालों में मिलाएंगे इस तरह से, और गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देंगे। ऐसे चलाते हुए अपनी सब्जी को अपने मसालों में अच्छे से मिलाएंगे, और कुछ देर के लिए पकाएंगे। कुछ देर हमने सब्जी को भी अपने मसालों में पका लिया है। अब हम इस सब्जी को कवर करेंगे, और 5 मिनट के बाद अपनी सब्जी को देखेंगे, और गैस का फ्लेम हमें लो करना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं सब्जी को हमारी पकते हुए। अब हम देखते हैं अपनी सब्जी को खोल करके। सब्जी भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और ये अच्छे से खुश्क हो गई है। कितना अच्छा हमारी सब्जी का रंग आया है, और ये देखिए एक एक सब्जी हमारी खिली खिली सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसे चलाएंगे। धनिया को अपनी सब्जी में हम अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। सच मानिए, आप इस तरह से हमारे तरीके से सब्जी को बनाएंगे, तो आपके सारे परिवार वाले दौड़ दौड़ कर इस सब्जी को खाएंगे। कोई भी इसे खाने से मना नहीं करेगा। आप इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, पूरी से खाएं, सूखी सब्जी हम सफ़र के लिए भी ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई एक सब्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।